हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है एक मोबाइल पे, और आज हमारा जो ये मोबाइल है बहुत ही पुराना हो चुका है। आज मैं इस मोबाइल को पूरा न्यू कंडीशन बनाऊंगा, डिस्प्ले सारा चीज़ इस मोबाइल में लगाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड, पूरा फुल सेटअप। ये हमारा रेडमी का फ़ोन है, रेडमी 5 या रेडमी गो या कुछ ऐसे ही फ़ोन है, मॉडल नहीं पता उतना एक्यूरेट मुझे फ्रेंड। तो ऐसे कुछ फ़ोन होगा आपका कोई भी, उसमें भी अभी से नॉर्मली आप इसमें इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे मैंने बैक कवर लगा रहा हूँ, फोल्डर लगा रहा हूँ और डिस्प्ले लगा रहा हूँ। ये हमारा डिस्प्ले है, लोकल मार्केट से ही डिस्प्ले मैंने परचेज किया, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं पड़ती है। और ये फोल्डर 150-200 के अंदर में आ जाती है, कवर बैक कवर भी 150-200 के अंदर आ जाती है। डिस्प्ले 1500 तक लगभग मोबाइल का डिस्प्ले आपको मिल जाएगी फ्रेंड। जो कॉस्टली फ़ोन होता है वो सब का डिस्प्ले का प्राइस जो है बहुत ही महंगा पड़ती है। तो इस फोन में डिस्प्ले जो है कॉस्टली कम पड़ा है। आप एक्रोड मार्केट जाए, पता चल जाएगा और आप इजीली लगा सकते हैं अपने से भी। तो चलिए इस वीडियो में जो बताते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए इस बोर्ड को मैंने खोल लेता हूँ और यहाँ पे इस बोर्ड को खोल के दूसरे वाली फोल्डर में इंस्टॉल करेंगे फ्रेंड। तो इंस्टॉल कैसे करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में सारा चीज़ को आपको बताएंगे फ्रेंड। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसमें सिर्फ क्लिक करना फ्रेंड आपको और हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर सब चीज़ को खोल लेते हैं, इसलिए इतना तो आसान है। यहाँ पर ध्यान से खोलेंगे जो कि ये पत्ता हो, बटन साइड वाली पावर बटन, वो सारे चीज़ को आराम से निकालेंगे, ध्यान से देखते हुए निकालेंगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। हमारा जो निकल गया, और यहाँ पे एक पत्ता और था जो सेंसर पत्ता, ये भी आराम से निकालेंगे। यहाँ पर सेंसर पत्ता टूट सकता है निकालने में फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे आराम से ही निकालेंगे। सेंसर पत्ता टूट गया तो आपका जो है आगे का सेंसर नहीं काम करेगा। तो ये हमने निकाल लिया हूँ और इस फोल्डर में स्टोर करेंगे सारा चीज़ को फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे पहले डिस्प्ले को देखते हैं मैच करके, हमारा जो डिस्प्ले कैसे काम कर रहा है। हमारा न्यू डिस्प्ले लेकर आया, एक डिस्प्ले मेरा प्रॉब्लम निकल गया तो मैंने रिटर्न करके ये वाली डिस्प्ले को लेकर आया जो कि व्हाइट कलर का, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम डिस्प्ले में नहीं होना चाहिए फ्रेंड, जो भी डिस्प्ले हो आप जहाँ से भी लें चेक करें एक्यूरेट। लगाने के बाद आपका डिस्प्ले का कोई रिस्पॉन्स नहीं रह जाती उसका, और ख़राब भी निकल गया तो उसका कोई पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलती फ्रेंड। तो आप अपना डिस्प्ले को पूरी तरीके से चेक करके लें, जब तक नहीं लगाएं, लेके भी आ गए हैं ख़राब हो जाता है ना फ्रेंड, जब तक नहीं लगाएं तब तक आपको भी रिटर्न ले सकता है, लेकिन बाद में रिटर्न नहीं होती है फ्रेंड, क्योंकि ये रीज़न है। कंपनी कभी भी कोई माल ख़राब नहीं निकालती है, अगर हो जाती है तो डायरेक्टली रिटर्न लेगी, लगाने के बाद नहीं। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड, गिर जाने के बाद आपका जो फ़ोन डैमेज हो जाता है कुछ कारण बस, और कुछ और भी कारण होता है जिसके कारण डैमेज हो जाता है, इसलिए रिटर्न लेने नहीं खोजता फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमने यहाँ पर डिस्प्ले को इंस्टॉल कर लिया हूँ, और देखिए डिस्प्ले यहाँ पर इजीली चिपक जाएगा, इसमें गोंद लगाने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड। ये पूरा न्यू कंडीशन के जैसे चिपक गया, इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि लगता कि मेरा एक नया फ़ोन जैसा था वैसा है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो है इजीली कुछ देर में चिपक जाएगा, दिन भर के अंदर में या तुरंत भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते फ़ोन को फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा चिपकने में, और ये चिपकने के बाद इजीली मैं यहाँ पे लगा के दिखाऊंगा सारे बोर्ड को, और इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रेंड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इस फ़ोन में। और फ्रेंड एक ही बात मैं बताऊंगा, सभी फ़ोन का फंक्शन अलग होता है, खोलने का तरीका अलग होता है। अगर सभी चीज़ का तरीका जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, बहुत सारी चीज़ों का वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा फ्रेंड। मेरे पास तो नहीं है फ्रेंड, लेकिन यूट्यूब पर तो ज़रूर है, तो हमारे पास आएगा, हम भी ज़रूर वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा फ्रेंड। तो सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। सबसे पहला बात है कमेंट करें, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन मतलब कहाँ से देख रहे हैं, इस सारा चीज़ को डिटेल को थोड़ा सा कमेंट करें।
तो कि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। फिर तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ है उस चीज़ को बता देता हूँ। तो देखिए फिर आप सारा चीज़ को इंस्टॉल कर लिया हूँ, सेंसर पत्ता सब सारा चीज़ को आप लगा लीजिएगा। सारा चीज़ मैंने लगा लिया, चार्जिंग पत्ता भी लगा लिया। और चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाते हैं फ्रेंड। ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड जहाँ जहाँ से जो भी चीज़ खोले होंगे वहीं पे वो सारा चीज़ को अपना एक गोंद या सिंपल सा एक गोंद आते हैं वाला गोंद लगा के यहाँ पे सारा चीज़ को लगा लीजिएगा, ताकि जो आपका ये नहीं लगाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए संभल करिएगा अच्छे तरीके से, तो आपका जो है कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं इसको और आपको पूरी तरीके से फ़ोन को चला कर दिखाएंगे कैसा लग रहा है मार्केट वाली डिस्प्ले बाहर में जो मिलती है। हमने थोड़ा सा हाई क्वालिटी का परचेज़ किया हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। लोकल क्वालिटी में लोकल वाली, मतलब लोकल मार्केट में लोकल क्वालिटी वाला कभी ना यूज करें, प्रॉब्लम करती है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड लगभग हमारा हो चुका है। यहाँ पे आगे का स्पीकर इंस्टॉल कर दिया जो छूट गया था फ्रेंड। सारा चीज़ को लगा लेते हैं, बैटरी पत्ता और एक क्लिप है, और यहाँ पे जो भी क्लिप है सारा चीज़ को इजीली इंस्टॉल कर लेंगे। और चलिए हमारा जो है सारा चीज़ को लगा लेते हैं फ्रेंड। थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, नट लगाने का जो है सारा चीज़ अपने से इजीली कर पाएंगे फ्रेंड। तो देखिए मैंने नट यहाँ सारा चीज़ को लगा ले रहा हूँ। और तो चलिए फ्रेंड हमारा जो सारा चीज़ यहाँ पे लग गया है, और इसका बैक कवर को भी लगाएंगे, कुछ कुछ छूट ना जाए। और ऑन करते हैं फ्रेंड बैक कवर को लगा के। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे बैक कवर को लगाएंगे। बैक कवर को लगाने से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, डायरेक्टली बैक कवर को लगा देंगे। फ्लैश लाइट के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस बैक कवर में, ताकि मार्केट वाले बैक कवर है फ्रेंड। और बैक कवर के साथ अगर ये कीजिएगा तो पीछे का ग्लास चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है बैक कवर का जो फ्लैश लाइट वाली एक चीज़ है तभी जाके लगेगा, अगर ध्यान दीजिएगा कवर में तो फ्रेंड। तो मैंने उस चीज़ को नहीं लगाया, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ्लैश लाइट का। चलिए फोन को मैंने ऑन कर रहा हूँ फ्रेंड, और ये फ़ोन हमारा कुछ ही देर में ऑन हो जाएगी फ्रेंड। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और देखिए फ्रेंड हमारा ये ओल्ड है और ये हमारा नया। और देखिए फ्रेंड फोन ऑन हो चुका है, बहुत ही मस्त चल रहा है फ्रेंड। और ये देखिए सारा चीज़ इसमें आ गया, और बहुत ही मस्त क्वालिटी का फ़ोन हमारा जो है चल रहा है फ्रेंड। चलिए मैं गैलरी को खोलता हूँ, और देखिए फ़ोटो भी यहाँ पे पहले जो हमारा डिस्प्ले आया था फ्रेंड फ़ोटो काँप रहा था, और अभी का डिस्प्ले में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ मैंने नहीं दिखाया वीडियो में, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम हुआ है तो आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। तो अगर जब भी किसी का डिस्प्ले लगाएं फ्रेंड तो प्रोटेक्शन गार्ड ज़रूर लगाएं, प्रोटेक्शन गार्ड ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लोकल वाले डिस्प्ले में प्रॉब्लम जल्दी से हो जाती है, कितना भी हाई क्वालिटी आप परचेज करें। तो एक ही चीज़ मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड, ओरिजिनल होता है, लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो भी कोई खास ख़राब नहीं होता फ्रेंड, बहुत ही मस्त चलता है। तो आप लोकल वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल का क्वालिटी अलग होता है फ्रेंड। कितनों आपको बोल दे लोकल मार्केट में कि मैं लगा दूंगा ओरिजिनल बोल के, जब तक वो सर्विस सेंटर वाला माल नहीं लगाएगा फ्रेंड तब तक आपका ओरिजिनल नहीं होगा फ्रेंड। जो बात है आप एक्यूरेट समझ लीजिए। तो हमारे दुकान में भी लगता सर्विस सेंटर का माल लोकल में मिल जाता है, तो ऐसा कुछ होता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।